हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा धवन आज आपके सामने एक छोटा सा लेकिन कामयाब एक्सपीरियंस। लोअर बैक एरिया में हुए बैक सोर को हम गीला होने से कैसे बचा सकते हैं, यही आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मदर डायमेंशिया पेशेंट हैं। बेड रिडन होने पर जब उनको बैक सोर की प्रॉब्लम हुई तब मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। डॉक्टर से जब हमने कंसल्ट किया तब तक वो सेकेंड स्टेज में पहुँच चुका था। डॉक्टर ने हमें उसे क्लीन रखने और उसकी ड्रेसिंग करने के लिए सलाह दी। हम टाइम टू टाइम मदर के साइड भी चेंज करते थे और बेटर था इनसे क्लीन करके, सोफ्रामाइसिन लगा के, गोश्त के साथ उसको कवर करके उनकी ड्रेसिंग करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी कि एक बार यूरिन पास करते ही बेड सोर गीला हो जाता था, और बेड सोर को गीला होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और बॉडी भी हील नहीं करती। बेड सोर को गीला होने से बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम किया यही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर हमें यूरिन पाइप लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो यूरिन पाइप लगाने का मतलब उसके लिए किट खरीदना, एक अटेंडेंट रखना या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना, तो यह सब हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। तब मैंने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला जो हमारा सदियों पुराना एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा, हल्दी तेल का मिश्रण। मैं बेड सोर को गीला होने से बचाने के लिए अब इस हल्दी तेल के मिश्रण का प्रयोग करने लगी। अब हम बेटाडाइन से क्लीन करके, सोफ्रामाइसिन लगाकर और सैनिटाइज गोज के ऊपर हल्दी तेल के मिश्रण की एक लेयर लगा के उसको टेप के साथ कवर कर देते, और ये हल्दी तेल के मिश्रण ने 100% बेड सोर को गीला होने से बचाया। हल्दी तेल के मिश्रण की एक लेयर एक शील्ड का काम करने लगी। जैसे कि आप सबको पता ही है, हल्दी एक एंटीसेप्टिक है और ऑयल जो है वो यूरिन को बेड सोर तक पहुंचने से रोकने लगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैं हल्दी तेल का मिश्रण कैसे बनाती और गोश्त के ऊपर उसकी लेयर कैसे करती थी। हल्दी तेल का मिश्रण बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, हल्दी यानी कि टर्मिक पाउडर, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। हल्दी की मात्रा सरसों के तेल से इसमें ज़्यादा रहती है। इसके लिए हम सबसे पहले सरसों का तेल लेकर इसको गर्म करेंगे। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हमने गर्म करना है, और जैसे ही ये गर्म होगा तो फ्लेम को बंद कर देना है। अब तेल गरम हो चुका है और हम इसमें धीरे धीरे हल्दी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हल्दी एकदम नहीं डालनी, और तब तक डालेंगे जब तक इसका पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाता। अब हमारा पेस्ट गाढ़ा हो गया है और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पेस्ट ठंडा हो गया है, हम सैनिटाइज गोज पर इस तरह पेस्ट की एक लेयर लगाकर बेड सोर्स पर टेप के साथ कवर कर देते थे। लेयर थोड़ी थिक रखते थे और दिन में दो बार ड्रेसिंग के टाइम इसे भी चेंज कर देते थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा ये नुस्खा और लोगों तक भी पहुँचे और उन्हें लाभ मिले।